Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Sana and welcome to another video. आज का जो वीडियो होने वाला है इट्स कश्मीर आइटनरी एंड ऑल द आउटफिट्स दैट आई वोर टू कश्मीर. तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, टू मंथ्स बैक आई वेंट टू कश्मीर अलॉन्ग विद माई बॉयफ्रेंड एंड इट वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू कश्मीर. तो कई लोगों का मुझसे सवाल था कि कश्मीर की अपनी ट्रिप कैसे प्लान करी, क्या क्या आइटनरी थी. तो बहुत ही डिटेल्ड आइटनरी होने वाली है कि मैंने पहले दिन क्या करा, दूसरे दिन क्या करा. एंड इट्स अ 7 day आइटनरी. तो 7 दिन में आप पूरा कश्मीर एक तरीके से कैसे कवर कर सकते हो, ये आइटनरी उस पर फोकस करने वाली है. एंड टूवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ द वीडियो मैं ये भी बताऊंगी आउटफिट्स कैसे पहने, बिकॉज आई स्टे इन बॉम्बे एंड अगर आप किसी नॉन कोल्ड जगह से कश्मीर जा रहे हो तो वट काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड टू कैरी फॉर कश्मीर, वट काइंड ऑफ विंटर वेयर यू नीड टू कैरी, बिकॉज जस्ट एक पफर जैकेट में नहीं होगा अगर आपका कोल्ड टॉलरेंस मेरी तरह कम है तो. सो इट्स अ डिटेल वीडियो एंड आई होप इट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर यू. मैं काफी चीजें डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी, सो मेक श्योर आप उसे चेक कर जाना. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. बिफोर आई गेट इन टू द वीडियो लेट मी टेल यू कि मैंने कश्मीर का हर एक दिन का भी व्लॉग बनाया हुआ है जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है. पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है कश्मीर के नाम से, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं फॉर लाइक अ प्रॉपर डिटेल्ड वीडियो, बिकॉज अभी मैं हर चीज इन अ क्रिस्प वे बताने वाली हूँ. ऑल्सो मैंने जो होटल्स बुक करे थे मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी. देर इज वन थिंग दैट आई वॉन्ट टू स्पेशली मैंशन एंड दैट वॉज our tour guide who became a friend and I'm talking about Naeem. So Naeem ka contact mujhe ek common friend ke through mila tha and I mean that one person changed our whole experience of a Kashmir trip. I think the kind of person agar aap kisi guide ko le rahe ho ya aapka jo bhi aap tour service le rahe ho wo bahut matter karta hai ki aapka traveling experience kaisa rahega. And for us Naeem showed us Kashmir in a way we never imagined and usne my trip 100 times better kar di thi. So he basically provided a cab services and we also changed hotel later because the hotel I booked online for the first day wahan pe heating service nahi thi achhi. So we shifted the next day in a better budget, in a better place, in main locality with the guidance of Naeem. तो भाई अगर आप कश्मीर जा रहे हो प्लीज इस एक बंदे को जरूर से कांटेक्ट कर लो अपनी कश्मीर आइटनरी के लिए, वो आपकी लाइफ बहुत सॉर्ट कर देने वाला है. बट बाकी तो मैं आपको बता ही दे रही हूँ, उसका मैं कांटेक्ट और डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर दूंगी. यू कैन ऑल्सो गिव हिम माई रेफरेंस, उसको याद आ जाएगा तो शायद आपको बेटर तरीके से घुमा दे. एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो आई विल बी रेफरिंग टू सम नोट्स बिकॉज मैं भूलना नहीं चाहती कुछ भी डिटेल्स. सो फॉर द फर्स्ट डे ऑफ कश्मीर हम लैंड हुए थे श्रीनगर में, बिकॉज श्रीनगर में एयरपोर्ट है कश्मीर का. सो द मोमेंट वी लैंडेड इन श्रीनगर वी वेंट टू अ होटल. हमारे होटल जो था वो था कुछ 30 मिनट्स फ्रॉम द एयरपोर्ट. एंड जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करते हो एक चीज याद रखना कि आपको फिल्मिंग फोन कैमरे से कुछ भी रिकॉर्ड करना एयरपोर्ट पे नहीं अलाउड है बिकॉज इट्स अ मिलिट्री सेंसिटिव जोन. एंड पहले दिन पहुंच के हमने सबसे पहले कवर करा था शंकर आचार्य टेम्पल. नाउ अब बहुत सारे लोग कहेंगे इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेम्पल्स, बट इट्स अ वेरी पॉपुलर प्लेस एंड इट्स जस्ट मैं भी बहुत रिलीजियस नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि यार अगर कोई जगह बहुत पॉपुलर है किसी जगह की तो जरूर से जानी चाहिए. सो वंस यू लैंड इन श्रीनगर आप अपने होटल में चेक इन करने के बाद आप पहले जा सकते हो शंकर आचार्य टेम्पल. देन वी वेंट टू द मुगल गार्डन्स. कश्मीर इज फिल्ड विद गार्डन्स, देर आर सो मेनी गार्डन्स. एंड अगर आप अपने टूर गाइड से या कैब ड्राइवर से जिससे भी पूछोगे ना गार्डन्स, वो आपको सारे गार्डन घुमा देगा. देर वर गुड 4 to 5 गार्डन्स दैट वी वेंट टू. मैं यहाँ कुछ पिक्चर्स भी अटैच करती जाऊंगी जिससे आपको रेफरेंस मिले कि कैसे गार्डन थे, क्या थे, हम कहाँ घूमे. उसके बाद वी वेंट टू द वुडन मस्जिद. ये मस्जिद कुछ 200-300 साल पुरानी है एंड दिट्स अ ओनली वुडन मस्जिद इन इंडिया. एंड जब मैंने देखी तो मुझे बिलीव नहीं होता बिकॉज ये इतनी खूबसूरत थी. इसके अंदर अब प्रेयर नहीं होती थी बट दिस वॉज वर्थ इट, वर्थ एवरी थिंग. उसके बाद हम गए थे जामा मस्जिद. कश्मीर में भी एक जामा मस्जिद है एंड यहाँ पे लगभग 300 लोग एक साथ प्रे कर सकते हैं. इट्स सो ह्यूज एंड यहाँ जाके लिटरली इतनी प्यारी फीलिंग आ रही थी. दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग टू मस्जिद एंड इट वॉज जस्ट फिनोमिनल. देन वी वेंट ये करते करते मतलब वी स्टार्टेड विद अ टेम्पल अराउंड 11-12 AM एंड टेम्पल उसके बाद मस्जिद ये करते करते गार्डन ये करते करते हमें शाम को बज गए थे 6. अराउंड 6 o'clock वी वेंट टू चाय जाए जो कि वहाँ बहुत पॉपुलर कैफे है. इट्स वेरी एस्थेटिक कैफे. यहाँ पे लैला मजनू जो फिल्म थी उसकी शूटिंग भी हुई थी एंड इट्स वन ऑफ दोज कैफेज जिसका मतलब जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा. द फूड वॉज सो गुड, वी ऑर्डर्ड सम वेज पिज्जा एंड इट वॉज अमेजिंग. थोड़ी सी वहाँ वेटिंग लाइन होती है बट वेट कर लेना,
वर्थ इट रहेगा। हाउ सिंस फॉर द फर्स्ट डे वी वांटेड टू कीप अ लिटिल चिल, तो हम उसके बाद वापस अपने होटल आ गए थे बाय 8 o'clock। एंड कश्मीर में वैसे भी सब कुछ बाय 7:38 बंद होने लगता है, एक्सेप्ट लाइक फ्यू ईटरीज। वहां का मेजर मार्केट इट ऑल क्लोजेस डाउन बाय 7 बिकॉज इट्स अ कोल्ड सिटी एंड एवरीथिंग जस्ट क्लोजेस डाउन रियली रियली सून। सो ये चीज हमेशा माइंड में रखना, सो द सूनर यू स्टार्ट योर डे द बेटर इट विल बी फॉर यू। नेक्स्ट दिन हम गए थे सोनमर्ग। सोनमर्ग श्रीनगर से कुछ 1.5 घंटा है एंड श्रीनगर से हर चीज ही 1.5-2 घंटा है। सो वी डिसाइडेड टू स्टे इन श्रीनगर पर्पसली, जिससे हमारे लिए सब कुछ कवर करना काफी ईजी पड़े। When we went to Sonmark, तो Sonmark में literally ऐसा कुछ market वार्केट नहीं है। Sonmark is just like a hilly place जो आप discover कर सकते हैं। वहाँ बहुत beautiful views हैं, snow है, 2 type की चढ़ाई होती है वहाँ पे, एक घोड़े से जा सकते हैं, you can walk also। This is the only time we took a घोड़ा, so हम एक घोड़े पे गए थे and it costed us around 2,500 per person। But the experience of it all was so beautiful. Like Sonmark, मैं यहाँ कुछ clippings दिखाऊंगी and मैंने आज तक उससे सुंदर जगह नहीं देखी है। वो इतना खूबसूरत था, full snow laid in and suddenly like within few minutes the sun just shifted to another side and पूरा सनी से एकदम gloomy हो गया था। आप मेरा Sonmark vlog जरूर से देखना, आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। So we went to Sonmark and it took us entire day because आप वहाँ पहुँचते हो, चालू करते हो चढ़ाई वढ़ाई, थोड़ा बीच में वाटरफॉल्स वगैरह हैं, आप वो देखते हुए जाओगे तो पूरा टाइम ना आपका निकल जाता है। सो बाय द टाइम यू विल रीच बैक टू श्रीनगर इट विल बी गुड 6-7 अगेन एंड बस आप आके खाना खाओ एंड यू विल स्लीप। दैट्स व्हाट वी डिड ऑन अ सेकंड डे। बट सोनमर्ग प्लीज जरूर से जाना, इट्स जस्ट अ 1 day थिंग ओनली, यू कैन डू अप एंड डाउन वेरी इजिली। फॉर द 3rd day वी वेंट टू पहलगाम। अब क्योंकि मैं गई थी विंटर्स में बट इट वॉज इन स्नोइंग दैट टाइम, मेरे जाने से जस्ट 3 दिन पहले स्नो हुई थी, बट जिस टाइम मैं पहुंची उस दिन स्नो नहीं हो रही थी। एंड विंटर्स में पहलगांव इज नॉट द बेस्ट प्लेस टू विजिट। पहलगांव इज अ समर प्लेस टू विजिट इन कश्मीर, इट्स अ बेस्ट प्लेस टू विजिट इन कश्मीर ड्यूरिंग समर। सो अगर आप समर्स में अभी प्लान करने वाले हो तो कीप 2 days फॉर पहलगांव। लेकिन अगर आप विंटर्स में जा रहे थे या अभी भी अगर विंटर्स प्रॉपर हैं वहाँ पे, आप थोड़ा रिसर्च करके जा सकते हो, तो विंटर्स के टाइम पहलगांव 1 day इज इनफ। We didn't do the ABC Valley. There is something called as ABC Valley in Pehelgaon, जिसके लिए आप घोड़ा ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, which is Chandamani and another 2 places. But we didn't do that. We did a little off-site thing of Pehelgaon. हमने Pehelgaon का local markets explore करा, local चीज़ें explore करी. While returning from Pehelgaon, we explored the Bajrangi भाईजान ने जो मस्जिद दिखाया था वो, हम उसके अंदर तक गए वहाँ पे. They even called us in and like asked us to pray, which was very very beautiful. My first time, it was just amazing. And हमने थोड़ा offbeat करा पहलगांव, but you can just stick to the plan and ABC Valley वगैरह आप cover कर सकते हो. Also, it would cost you around 5,000 per person to cover all of those things. That yes, it's थोड़ा expensive, but that's what the rates are. So it wasn't even on a budget. So we decided that we will just skip the ABC Valley for winters because winters में बिल्कुल worth it नहीं है. Summers में definitely cover that. देन क्योंकि हमारा पहलगांव 1 दिन का ही था, हमारा 4th and 5th day वर गुलमर्ग। नाउ फॉर अ 4th day वी डिसाइडेड, तो गुलमर्ग डायरेक्टली नहीं जाते आप, हम क्योंकि श्रीनगर से ही गए थे, took us around 2 hours again. एंड गुलमर्ग से पहले आप टंगमर्ग जाओगे, टंगमर्ग गुलमर्ग के थोड़ा पहले आता है, विच इज अराउंड 20 minutes अगेन। टंगमर्ग से आप ड्रंग जाओगे, वहां से ATVs चलती हैं, घोड़े जाते हैं, तो हम ATV से गए थे एंड ड्रंग वाटरफॉल्स कुछ ऐसा दिखता है। It's amazing. It's so beautiful. And अगर श्रीनगर तक जा रहे हो, कश्मीर तक जा रहे हो, तो प्लीज ड्रंग वाटरफॉल भी जरूर जाना। सो द 4th day वी वेंट टू ड्रंग एंड वहां से हम टंगमर्ग मार्केट्स घूमने गए, बिकॉज टंगमर्ग में ना जितना भी आपका लोकल काम जो कश्मीरी हैंडवर्क होता है वो सब बहुत अच्छा मिलता है। सो यू कैन एक्सप्लोर दैट, यू कैन शॉप फॉर दैट एट वेरी अमेजिंग प्राइजेस ऑल्सो। एंड देन वी वेंट बैक टू आर होटल्स फॉर द 5th day। एक पूरा दिन रखना गुलमर्ग के लिए, मेन गुलमर्ग। ओके, मेन गुलमर्ग में आपका कवर अप हो जाता है गोंडोला राइड, जो बहुत ही पॉपुलर है। नाउ आई विल टेल यू समथिंग दैट हैपेंड विद अस। सो ओके, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। सो गुलमर्ग इज इन 2 phases। व्हेन आई से गोंडोला राइड, विच इज केबल राइड बेसिकली, गुलमर्ग 2 phases में है, मेन जहाँ पे पूरी बर्फ एंड एवरीथिंग, विच इज phase 1 and phase 2। phase 1 तक कई लोग ट्रैक करके भी जाते हैं, बट मेन गोंडोला ही होता है, बट phase 2 तक सिर्फ गोंडोला होता है। phase 2 पे सिर्फ व्यू है, phase 1 में ऑब्वियसली व्यू के साथ you know shops and all that activities, skiing, वो सारी चीजें हैं। लेकिन अब हमें नहीं पता था कि गोंडोला का टिकट सोल्ड आउट हो जाता है बहुत पहले से। मैंने ऑनलाइन जहां भी पढ़ा हर जगह था कि आप 2-4 दिन पहले बुक करोगे तो आपको मिल जाएगा। When I reached there, I realized it was booked till Jan end, and I went there in December.
सो मैं तो रोने लगी थी, मुझे लगा भाई मैं जिस चीज के लाई हूँ, बिकॉज आई लिटरली वेंट फॉर गोंडोला एंड गुलमर्ग एंड मैं वही नहीं कर पाऊंगी. बट थैंक्स टू नईम, आर गाइड, आर फ्रेंड, वट एवर टर्म यू वांट टू गिव, ही इज लिटरली अ गॉड्स पर्सन फॉर अस. वो हमारे साथ बंदा ट्रैक करके टिल फेज वन गया. हमने विदाउट गोंडोला का टिकट वी वेंट टिल फेज वन. हाउ वी ट्रैक, इट टुक अस 4 आवर्स टू रीच टिल फेज वन, बट वी डिड दैट. एंड इफ यू वांट टू डू दैट, अगर आपके पैर सलामत हैं तो आप कर सकते हो, बट अगर आप वो नहीं कर सकते तो प्लीज गोंडोला का टिकट एटलीस्ट 1.5-2 महीने से पहले बुक करके रखना, वरना नहीं मिलने वाला है. आप कुछ भी क्यों ना कर लो, रिश्वतें नहीं चलती हैं वहां पे. पीपल आर वेरी रिजिड इन दैट सेंस, सो प्लीज ये मत सोचना रिश्वत दे देंगे जैसे इंडिया में होता है, वैसा नहीं हो पाएगा. प्लस एट द सेम टाइम अगर आप फेज टू का एम कर रहे हो तो वो आप सिर्फ गोंडोला से ही जा सकते हो. वाइल रिटर्निंग हमें लकीली गोंडोला में ही आने का मौका मिला, बिकॉज भीड़ इतनी थी, डिडंट चेक फॉर द टिकट्स एंड वी जस्ट वेंट लाइक दैट. नॉट द राइट थिंग टू डू, बट वी डिड दैट. एंड या दैट वॉज आवर डे 5, विच वॉज जस्ट गोंडोला गुलमर्ग, एंड इट वॉज द बेस्ट डे ऑफ आवर लाइव्स. मतलब वो एक एक्सपीरियंस है जो आपको इतना खुश छोड़ देगा ना. देन फॉर द 6th डे, क्योंकि हम श्रीनगर वापस आ चुके थे रात में, हमने लोकली खाना खाया था. देन फॉर द 6th डे इन द मॉर्निंग वी वेंट टू दूध पथरी, विच इज अगेन 1.5-2 आवर्स. वहां पे ऑब्वियसली विंटर्स में बर्फ होगी, बट समर्स में, अगर आप समर्स में जा रहे हो, वहां पे बहुत एक्टिविटीज होती है. इट्स लाइक पहलगांव, एंड वहां पे एक्टिविटीज मैंने सही, वहां पे पैराग्लाइडिंग होती है. मैंने पैराग्लाइडिंग विंटर्स में भी करी थी, बिकॉज लकली इट वॉज इन स्नोइंग एंड देर वॉज इन लॉट ऑफ क्राउड, सो दे वर स्टिल हैविंग पैराग्लाइडिंग थिंग, जो 2,000 को होता है. ऑल्सो गुलमर्ग का फेस का टिकट आई थिंक 1,000 का होता है, 1,500 का होता है. फेज वन इज 1,000, फेज टू शायद 1,500. आप ऑनलाइन एक बार चेक कर लेना. सो फॉर डे 6 द फर्स्ट पार्ट वी वेंट टू दूधपत्री. दूधपत्री से आने के बाद हमें इतनी भूख लगी थी, बिकॉज हम निकले थे सुबह अराउंड 8 बजे, वही 8-9 बजे के अराउंड. वहां से आते आते हमें हो गया था 1:30. अब श्रीनगर में एक रेस्टोरेंट है, श्री श्री कृष्णा वैष्णव ढाबा. ओ माई गॉड गाइस, उसका राजमा चावल इज माइंड ब्लोइंग. आई एम अ वेजिटेरियन, एंड बींग अ वेजिटेरियन मुझे बहुत दिक्कत हुई थी कश्मीर में फाइंडिंग वेज फूड. हाँ, आपका होटल जहाँ आप रह रहे हो वो लोग वेज फूड देते होंगे, बट बाहर बहुत मुश्किल है वेज फूड मिलना, एक्सेप्ट इन लाइक कैफेज ऑफ कोर्स, बट देर आर नो रेस्टोरेंट एज सच. तो ये श्री कृष्णा वैष्णव ढाबा जो है, ये इतना जबरदस्त खाना देता है, मजा आ जाएगा. तो अगर आप श्रीनगर में स्टे कर रहे हो, आप रोज यहाँ से खा सकते हो. वी हैड लंच देयर, एंड देन नईम टुक अस टू द लोकल कॉपर मार्केट इन श्रीनगर, जो हर कोई नहीं जाता है. सो आप अपने ड्राइवर्स में भी रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको लोकल कॉपर मार्केट दिखाए, कॉपर का कलर कैसे चेंज होता है, कॉपर कैसे बनता है, विच इज लाइक अ मेजर इकोनॉमी फॉर श्रीनगर एज वेल. हमने वो कवर अप करा, एंड देन हमने थोड़ा बहुत घूमा घामा. देर वॉज दिस कैफे बॉल्डरविन करके, हम वहां गए, एंड देन वी केम बैक टू अवर होटल्स. फॉर द लास्ट डे ऑफ श्रीनगर हमने सिर्फ रखा दल लेक एंड फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस. डल लेक, बिकॉज डल लेक अगर आप जाओगे तो एक सेल्फ शिकारा राइड जो है वो आराम से आपका 2-3 घंटा ले लेगा, बिकॉज वो पूरा घुमाता है. एंड इफ यू वांट टू शॉप तो आप रुकोगे तो वही चीज 4-5 घंटे में हो जाती है. देन एंड वहाँ पे ना पोस्ट ऑफिस है, जहाँ से आप खुद को एक लेटर भेज सकते हो, खुद को पोस्ट कार्ड भेज सकते हो बेसिकली, विच गेट्स डिलीवर्ड अ लिटिल लेट. मेरा पोस्ट कार्ड कुछ 2 महीने, 1.5-2 महीने बाद आया था, बट इट डिड केम. एंड दैट्स अ ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इन इंडिया. सो अपने आप को एक पोस्ट ऑफिस से पोस्ट कार्ड भेजो, एंड दैट्स हाउ यू बिड बाय टू कश्मीर. आते हैं बजटिंग के पार्ट पे. पहला पार्ट तो हो गया मैंने क्या करा, सेकेंड पार्ट हो गया बजटिंग. नाउ आई वेंट फ्रॉम मुंबई, एंड मुंबई से कश्मीर के टिकट्स आर क्वाइट एक्सपेंसिव फ्लाइट वाइज. हमें एक जन का फ्लाइट पड़ा था अप्रोक्सीमेटली 20,000 फॉर टू एंड फ्रो, विच इज 10,000 एक साइड से. तो 20,000 तो हमारे सीधे फ्लाइट्स में चले गए थे. देन अकोमोडेशन एंड ट्रैवलिंग का मिला के इट टुक अस अनदर 20,000 पर पर्सन बता रही हूँ मैं. तो हमारा 40,000 यहाँ चला गया, और मेरा अराउंड 60 खर्चा हुआ था, इंक्लूडिंग खाना, एक्टिविटीज एंड शॉपिंग. ऑफकोर्स मैंने 10,000 की तो शॉपिंग करी थी, बिकॉज आई गॉट लाइक सैफ्रॉन एंड शीला जीत एंड ऑल दैट स्टफ. तो बाय द वे, अगर आप जब पहलगांव जाओगे तो जिस रास्ते से जाते हो ना, पहलगांव जाते हुए देर आर सो मेनी शॉप्स. आप पूरा लैंड जहाँ पे केसर ग्रो होता है उसे क्रॉस करोगे, तो केसर हमेशा उस, जब आप पहलगा जाओगे उस रास्ते में खरीदना शॉप से, इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम दल लेक. दल लेक में ऑथेंटिक नहीं देते हैं ज्यादातर, बट जब आप उन शॉप से जाओगे, देयर वाज अ शॉप दर केसर महल, एंड वी गॉट केसर एंड शीलाजीत फ्रॉम देयर. इट वाज अमेजिंग. आई स्टिल यूज इट. आई ड्रिंक शीलाजीत डेली आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर फॉर हार्मोनल बैलेंस. एंड बिसाइड दैट आई फील, या दैट्स व्हाट आई डिड.
सो मेरा पूरा जो खर्चा मैं कहूंगी दैट केम अराउंड 50,000 विच इंक्लूडेड एवरीथिंग, माई ट्रैवल, माई फूड, माई एक्टिविटीज, स्टे, एवरीथिंग. शॉपिंग ऑफकोर्स एक्स्ट्रा, वो तो फिर आप, अगर आपने पश्मीना शॉल ले लिया आपका बजट 1 लाख चला जाएगा. सो बजटिंग डिपेंड्स, बट हाँ अगर आप बॉम्बे से ट्रैवल करो तो अराउंड 50,000, बट अगर आप किसी और सिटी से करो तब भी आपका बिसाइड्स ट्रैवलिंग आप 30 तक का खर्चा पकड़ के चलो ही चलो. सो इट इज नॉट द मोस्ट बजट फ्रेंडली ट्रिप इन इंडिया, बट इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो ऐसे ट्रिप के लिए. नाउ लेट्स मूव टू माई आउटफिट्स पार्ट. सो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल दे देती हूँ मेरे आउटफिट्स के बारे में, मैंने क्या क्या पहना था. बट बिफोर गेटिंग इन टू दैट, प्लीज कैरी टन्स ऑफ थर्मल्स. थर्मल्स के बिना वहाँ कपड़े नहीं झेल पाओगे आप, समझ जा रहे हो तो बात अलग है, बट विंटर्स में तो प्लीज कैरी थर्मल्स, बहुत ज्यादा जरूरी है. एंड कैरी स्नो बूट्स. आई पर्सनली थिंक इंस्टेड ऑफ बाइंग रेंटिंग स्नो बूट्स हर जगह जगह, बिकॉज वहाँ हर जगह 400-500 लेते हैं स्नो बूट्स का. इंस्टेड आप सेल पे अगर 2,000 का स्नो बूट्स खुद खरीद लोगे, जैसे मैं H&M का स्नो बूट्स खरीद के गई थी, तो मेरे लिए बहुत फायदेमंद था बिकॉज मैं हर जगह वही पहन रही थी. एट द सेम टाइम अभी वो चीज मेरे पास भी, मैं आगे भी कहीं स्नोई जगह पर ट्रेवल कर रही हूँ, आई कैन जस्ट कैरी दैट. सो कैरी योर ओन स्नो बूट्स, प्रिफरेबल वही होगा. एंड उसके सिवा और कुछ जरूरत नहीं है कैरी करने की. कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कश्मीर ट्रिप, वहां के लोग कैसा. बहुत मिसअजम्पशन है लोगों को लेके, वहाँ यू नो कितना पत्थरबाजी होता है, ये सब लोगों के ख्याल होते हैं. गाइज आई हैवन्ट मेट नाइसर पीपल देन कश्मीर इन माई लाइफ. लोग इतने प्यारे, इतने अच्छे, इतने हेल्पफुल हैं. और जितना भी आपने मीडिया में देखा है ना, वो सब फेक है. द पीपल हैव सच वाइड हार्ट्स, ओपन आर्म्स टू वेलकम यू. उनका मेन मतलब पेशा ही टूरिज्म है यार, तो जिसका पेशा जो है वो उसमें अच्छा ही होगा ना. सो उनके लिए टूरिस्ट इज लाइक गॉड. एंड द वाइब दैट यू थिंक ना कि टेररिज्म होगा, योगा होगा, नहीं भाई. हाँ वहां पे हर जगह जगह तो मैं आर्मी वाले दिखेंगे विद AK-47, यस, बट दैट्स फॉर प्रोटेक्शन. वो आपको कुछ कहे नहीं रहे, वो अपनी जगह पे खड़े हुए हैं, दैट्स ऑल दे डू, दे नॉट डिस्टर्बिंग यू. आप वहाँ पे रात में 10 बजे पे, हम लोग लिटरली रात में 10 बजे घूम रहे थे एंड पीपल वर लाइक प्रिटी चिल, सेफ था एकदम, कुछ भी नहीं था. तो द पीपल, द वाइब, इट्स ब्यूटिफुल. प्लीज जो मीडिया में देखा है उस पर मत बिलीव करो एंड गो वंस टू एक्सपीरियंस इट योर सेल्फ. कमिंग टू द आउटफिट्स पार्ट फॉर डे वन, आई पेयर्ड अ ब्लैक हाई नेक, टर्टल नेक कह सकते हो, अलॉन्ग विद दिस प्लेड जैकेट, सम गोल्ड एक्सेसरीज, ब्लैक ग्लव्स एंड दिस चेकर्ड पैंट्स. आई लव दिस वन, बहुत ही अच्छी लग रही थी. ये पेयर अप बहुत अच्छे से हो रहा था विद द जैकेट एंड सम पिंक शूज फॉर कॉन्ट्रास्ट. आई ऑल्सो वोर पिंक ईयर मफ्स क्योंकि साथ में बहुत अच्छा लग रहा था. एंड दिस हाउ माई फर्स्ट डे आउटफिट फॉर श्रीनगर टर्नड आउट, वेरी बेसिक बट वेरी कूल एंड आई लव दिस वन, सो कम्फी एट द सेम टाइम. एंड गार्डन्स के साथ ना बहुत अच्छा लग रहा था ये. For the second day, I wore these snow boots, wide leg jeans, this blue high neck sweater and a blue puffer jacket along with blue hoops and a blue cute bow because I am in that girl era. And this was very comfy again. This is what I worn for Sonmar and क्योंकि Sonmar का जो पूरा scenery था वो ऐसा ही blue blue था, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था. According to the location again, kept me warm at the same time and I am wearing thermals of course under all of these things. For the third day, I wore these snow boots again, then the black wide leg trousers, black high neck, a sweater vest and this white coat along with few accessories and black ear muffs. Now I feel this is such a comfy but yeti very very pretty outfit, perfect for snowy day. Although मैं पहलगाम गई थी, हमें इतना स्नो तो नहीं मिला था इस दिन, बट ये आउटफिट बहुत अच्छा लग रहा था. आई जस्ट फेल इन लव विद दिस एंड ये स्नो बूट्स इतने कम्फर्टेबल से, सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू बाई दीज. एंड द कोट ऑल्सो केप मी प्रिटी वॉर्म. फॉर द नेक्स्ट डे आई वो द सेम बूट्स, वाइट ट्राउजर्स, वाइट हाई नेक एंड दिस रेड कोट अलॉन्ग विथ फ्यू वाइट एक्सेसरीज लाइक वाइट ग्लव्स एंड अ वाइट हेड बैंड. ये ना बड़ा ही रॉयल सा फील दे रहा था एंड मैं ड्रंक गई थी ये पहन के, तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लग रहा था अकॉर्डिंग टू द प्लेस आई वेंट टू. पर्सनली ये मेरा फेवरेट आउटफिट्स में से था. आई रियली रियली लव हाउ दिस वॉज लुकिंग एट मी. एंड मुझे ना ऐसा लगता है कि पॉप ऑफ कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं विंटर्स में. देन फॉर फिफ्थ डे आई वोर दिस वाइट ट्राउजर्स अगेन अलॉन्ग विद द वाइट कोट एंड द पिंक स्वेटर, white gloves and white snow boots. I kept on mixing and matching a lot of outfits because obviously winter wear carry karna kafi hectic hota hai and the coats were huge, so I made sure ki main thoda bahut mix match karke outfits create karu. For the sixth day I wore the black wide leg trouser with this printed sweater and this brown puffer jacket. This was very comfy and doodpatri ke liye acha tha because itni thandi nahi thi doodpatri mein, to wahan ke liye just perfect tha ye. Very comfy again, cute outfit pair my pink shoes with this one and I loved how this turned out, very very comfy. And
what do you think about this one? Then for the last day, which was my final day, I decided that I wanted to dress like a Kashmiri and many black pants, black shoes and ye पहना था. नाउ आपको पता है इसे क्या कहते हैं? फिर डोंट नो, लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ कॉल्ड एज अ फेरन, जो कि कश्मीर का लोकल आउटफिट है. एंड आई लव हाउ दिस टर्न आउट. ये मैंने कश्मीर से ही खरीदा था फॉर लाइक 500 rupees, येट दिस लुक सो सो ब्यूटिफुल. सो दीज वर ऑल द आउटफिट्स दैट आई वोर इन कश्मीर. डू लेट मी नो विच वन वॉज योर फेवरेट. So yeah guys, these were all the details that I wanted to share about my Kashmir trip. अगर आपको कोई भी question हो, कोई भी doubt हो, तो please comment करके जरूर से पूछना. आप मुझे मेरे Instagram पे भी reach out कर सकते हैं, DMs पे, मैं वहाँ पे भी respond कर दूँगी. And yeah, I hope if you're planning for Kashmir, आपकी जो trip है वो बहुत अच्छी हो, because मेरे लिए मैं कश्मीर ट्रिप वॉज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस आई एवर ट्रैवल टू. अब मेरा बस चले, मैं हर साल कश्मीर जाऊँ, मेरा रोज मन करता है मैं वापस कश्मीर जाऊँ. इनफैक्ट क्योंकि मैं विंटर्स में गई थी, आई एम प्लानिंग अ समर ट्रिप नेक्स्ट ईयर. सो होपफुली तब मेरे पास और डिटेल्स होंगी. बट फॉर नाउ दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप यू गाइस लाइक्ड इट. अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. ऑल्सो द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम मी. आई एम गोना सी यू गाइस सुपर सुपर सून विद अनदर वीडियो. अंटिल देन, बाय, टेक केयर.